portavoz! Escárcaro! Escárcaro! Tira essa mão, cabe escárcaro! Partia senado, zindabad! 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 भारतीय सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। देश में चीन के खिलाफ एक रोष है, उबाल है, देखा जा सकता है जयपुर में किस तरह से लोगों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस तरह से प्रदर्शन जयपुर में सुबह से चल रहे हैं। लोगों में आक्रोश है कि चीनियों से बदला लिया जाए। लोगों से बातचीत करते हैं। सुखदेव सिंह गोगाई मेरी करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो, क्या चाह रहे हो आप? हम ये चाह रहे हैं कि चीनी सामान को बिकने नहीं देंगे, पूर्ण रूप से प्रतिबंध करेंगे। अगर कोई दुकानदार जबरदस्ती बेचने की कोशिश करेगा तो उसका सामान हम सड़क पर फेंक देंगे। चीनी सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। अरे चीनी दरिंदे, हमारे सोते हुए सैनिकों के ऊपर, सोए हुए सैनिकों पर गद्दारी से हमला करके उनको शहीद किया है। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया तो सामने लड़के देखे ना। आज भारत 1962 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है और इसकी नई जनरेशन है। करनी सेना ईंट से ईंट बजा देगी। चीनी सामान हम नहीं बिकने देंगे। कर ये चीन मुर्दाबाद, 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 चीन मुर्दाबाद, 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 चीनी सामान का बहिष्कार। नाराजगी है कि जिस तरह से ये घटना घटी है, 20 सैनिकों की शहादत हुई है, उसे लेकर जयपुर में जगह जगह पुतले फूके गए हैं और इस तरह से करनी सेना भी प्रदर्शन किया है और करनी सेना ने धमकी दी है कि जयपुर में चीनी सामान को नहीं बिकने देंगे। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।